की वीडियो देख ली होगी। अब जो बात करेंगे वो होगा बीट साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यदि ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीड एज ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाके ये ग्रो करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जेथ्रो टल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ वीड साइंस। वीड काउजेज ड्रास्टिकली एनुअल लॉसेज टू इंडियन एग्रीकल्चर विच इज़ मोर देन द कम्बाइंड लॉसेज कॉज्ड बाई इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। इन इंडिया 25% ऑफ क्रॉप लॉसेज ड्यू टू वीड्स। कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास, दैट इज पार्थेनियम हिस्टेरोफोलस एंड स्नीज वीड हेलेनियम स्पेसीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर डर्मल एलर्जीज इन ह्यूमन बींग। डर्मल मीन्स स्किन रिलेटेड एलर्जी। एलिलोपैथी, एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट वन प्लांट हैज़ ऑन अनदर थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड डैट एस्केप इन टू इन्वायरमेंट नोन एज एलिलोपैथी। दीज केमिकल्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वीड इंटरफेयर विथ क्रॉप्स एज कॉम्पिटिशन प्लस एलिलोपैथी। जॉनसन ग्रास शॉर्गम हेल्पेंस एट इट्स टिलरिंग स्टेज इज पॉइजनस टू एनिमल ड्यू टू देयर हाई प्रूसिक एसिड, जिसे HCN या फिर धूरीन कंटेंट बोलते हैं। ड्रॉपसी मैक्सिकन पॉपी, डेट इज आर्जेमोन मैक्सिकाना सीड मिक्सड विथ मस्टर्ड सीड एंड क्रस्ट बोथ डेथ एंड ब्लाइंडनेस टू ह्यूमन बींग। ड्रॉपसी ट्रेजडी हैज अकर्ड इन डेली इन 1998। कैंसर सेंसर मैकेनिज्म, एग्जाम्पल आर्जेमोन मैक्सिकन। द विंड स्विंग्स द इंटैक्ट प्लांट एंड फोर्सेज देयर मैच्योर पॉट टू डिस्पर्स सीड्स सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। वेजिटेबल प्रोपगेशन ऑफ वीड, वन साइड में वीड के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड में इसका प्रोपगेशन मेथड दिया गया है। जैसे बर्मुडा ग्रास और दूब कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू राइजोम और रनर और स्टोलन। टाइगर ग्रास by rhizome, Johnson grass by rhizome, purple nuts is by tubers, water hyacinth with offset। दूसरे टेबल में वीड एक्ट एज होस्ट फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। कौन सा वीड है, इसका कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है, मतलब किस में इंसेक्ट पेस्ट का काम करता है और कौन सा क्रॉप को ही अफेक्ट करता है। तो इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इसमें जो रहने वाले इंसेक्ट पेस्ट है वो है स्टेम बोरर और ये अफेक्ट करता है राइस को। चिनोपोडियम एल्बम ग्राम कैटरपिलर कॉटन पी एंड टोमेटो को अफेक्ट करता है। एग्रोपायरोन पोर्टुलिक सेनकरस सिलियरिस, इसमें एर्गोट डिजीज होते का होस्ट होता है ये, और ये अफेक्ट करता है पर्ल मिलेट को। एलर्सिया ऑर्जिवाइड बैक्टीरियल लिप ब्लाइट डिजीज का ये होस्ट है और ये राइस को अफेक्ट करता है। सैक्रम स्पॉन्टेनियम इज द होस्ट ऑफ डॉनी मिल्ड्यू विच अफेक्ट्स मेज एंड एग्रोपायरोन रेपेंस विच इज द होस्ट ऑफ रस्ट एंड इट अफेक्ट वीट मेनली। वीट डोरमेंसी, इट इज द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, इन फोर्स, इन नेट एंड इंड्यूस। इन फोर्स ड्यू टू डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड, इन नेट ड्यू टू जेनेटिकली कंट्रोल डोरमेंसी एंड इंड्यूस ड्यू टू सडन फिजियो चेंजेस लाइक वाटर लॉजिंग। Wild oat, that is Avena fatua, exhibit all three kinds of dormancy reported by Thurston in 1959. Example of biennial beads, क्या क्या examples हैं, तो चिकोरी, wild carrot, Lucena, plantago, Canada thistle. Perennial beads, which complete their life cycle in more than 2 years. इसमें भी सैलो रूटेड होते हैं, डीप रूटेड होते हैं। सैलो रूटेड में साइनोडॉन डेक्टाइलोन एंड एग्रोपायरोन रैपेंस एंड डीप रूटेड में सिप्रस रोटेंडस एंड सॉर्गम हेल्पेंस। वन मोर पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट पेरिनियल वीड्स आर आल्सो कॉल्ड पर्निशियस वीड। वीड एसोसिएशन क्या होता है, तो ये भी होता है, वो सीड बॉन्ड हो सकता है या क्रॉप बॉन्ड वीड्स हो सकते हैं। जो सीजन बॉन्ड होता है वो ग्रो इन स्पेसिफिक सीजन ऑफ ईयर with disregard to crop species, example sorghum helpens and sorghum arvens. Crop bond weeds जो होते हैं वो species of weeds which usually parasitize the host plant. It includes following dodder or cascata. It is total stem parasite weed, host crop is lucerne.
इट कैन बी मैनेज्ड बाई स्प्रे ऑफ पैराक्वैट एंड ल्यूसेंट सीड आर फ्लोट विथ 20% सॉल्ट सोल्यूशन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप. लोथाइरस डेंड्रोपोथे फैलकेट पार्शियल और सेमी स्टेम पैरासाइट. होस्ट क्रॉप इज प्लांटेशन क्रॉप स्पेशली मैंगो. ब्रूम रेप इज ओरोब्रैंकी. टोटल रूट पैरासाइट. होस्ट क्रॉप ऑफ ओरोब्रैंकी इज मस्टर्ड एंड सोलेनेसी क्रॉप लाइक टोबैको टोमेटो चिली ब्रिंजल पोटैटो एक्सेट्रा. मैनेजमेंट स्प्रे ऑफ ग्लाइफोसेट एट द रेट ऑफ 0.2% ऑन ओरोब्रैंकी. विच वीड और स्ट्राइगर स्पीसीज पार्शियल और सेमी रूट पैरासाइट. होस्ट प्लांट ऑफ स्ट्राइगर इज पर्ल मिलेट सॉर्गम मेज सुगरकेन सनफ्लावर. क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स क्रॉप इसमें देखेंगे पहले क्रॉप स्पेसिफिक वीड को. तो क्रॉप स्पेसिफिक वीड ड्यू टू नीड ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट एग्जाम्पल चिकोरी रिक्वायर्ड कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट हेंस इट ग्रोज वेल इन बरसीम फील्ड. मिमिक्री वीड्स सर्वाइव ऑल वेल बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी विथ होस्ट क्रॉप. जैसे वाइल्ड क्रॉप वाइल्ड राइस एंड इकाइनोक्लोआ कोलोनम और ओ शटाइवा वराइटी फैचुआ ये दिखते हैं बिल्कुल राइस की तरह इसीलिए उसको मिमिक करता है इसलिए इसको मिमिक्री वीड बोलते हैं और ये पैडी में होता है. वाइल्ड ओट जो कि हुआ एवेना फैचुआ एंड कैनरी ग्रास जो कि फेलेरिस माइनर हुआ ये वीट की तरह दिखते हैं इसलिए वीट के ये मिमिक्री वीड है. रेडी कॉन्टेमिनेशन ऑफ क्रॉप सीड विद एलियम स्पीसीज जिसको वाइल्ड ओनियन बोलते हैं वाइल्ड गार्लिक एंड फेलेरिस माइनर mature their seed at the same height and time as the winter grain. Thus, they easily contaminate crop seeds at harvest time. Obligate weeds occurs only in the cultivated or otherwise disturbed land, never found in wild form. Example, Chenopodium, field bindweed, Convolvulus arabensis. Chenopodium और field bindweed जिसका कि जो कि Convolvulus arabensis है ये दोनों ही obligate weeds हैं. Facultative weeds. Such weeds are grown both as wild and cultivated habit. Example, Argemone mexicana, Euphorbia hirta. Noxious weed. Weeds being especially undesirable, troublesome and difficult to control. Example of noxious weeds are Cyprus rotundus, Eucornia crassips, Chacrum munja, Imperta cylindrica, लैंटाना कैमेरा साइनोडोन डेक्टाइलोन पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस. सैटेलाइट और ऑब्जेक्शनेबल वीड सैटेलाइट वीड को ही ऑब्जेक्शनेबल वीड भी बोलते हैं. एनॉक्सिस वीड हुज सीड आर डिफिकल्ट टू सेपरेट वंस मिक्स्ड विथ क्रॉप सीड मतलब बिल्कुल क्रॉप सीड के ही सिमिलर होंगे इसीलिए इसको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है. द वीड्स डेट मैच्योर एट द सेम टाइम एंड हाइट एज होस्ट प्लांट एंड हैव सिमिलर साइज एंड शेप ऑफ देयर सीड्स एज द क्रॉप सीड्स. ऑब्जेक्शनेबल वीड का जो एग्जाम्पल्स है इधर और इधर एसोसिएट क्रॉप है. ये जो देख रहे हो इधर ऑब्जेक्शनेबल वीड है और ये ऑब्जेक्शनेबल वीड का ही एसोसिएट क्रॉप है. जैसे वाइल्ड राइस हुआ वो राइस में होगा ऑब्वियसली. आर्जमोन मैक्सिकाना मस्टर्ड में है जिसके सीड के दोनों एक ही तरह के सीड्स होते हैं मस्टर्ड एंड मैक्सिकाना के. मेलिलोटस स्पीसीज जो है वो ऑब्जेक्शनेबल वीड है किसका मेथी का. कैसकटा या डोडर है वो लूसर्न का है. चिकोरी है वो बरसीम का है. स्टेल सीड बेड बिफोर सोइंग टू क्रॉप इरिगेशन इज अप्लाइड टू अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ वीड एंड इमर्जिंग वीड्स आर डिस्ट्रॉयड. इट इज प्रैक्टिस्ड व्हेन 1-2 फ्लसेस ऑफ वीड आर डिस्ट्रॉयड बिफोर प्लांटिंग ऑफ एनी क्रॉप. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स वीड्स के कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हैं मतलब कि हम लोग बायो प्रोडक्ट्स का यूज करके वीड का को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे यूज ऑफ बायो हर्बिसाइड और पैथोजेन. सबसे पहले डिवाइन की बात करते हैं. डिवाइन प्रोडक्ट है जिसमें क्या होता है तो लिक्विड सस्पेंशन ऑफ फंगल स्पोर. कौन से फंगल फंजाई का स्पोर होता है तो फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा. इट कॉजेज रूट रॉट इन वीड्स. कॉलेगो प्रोडक्ट है विच कंटेन वेटेबल पाउडर ऑफ WP means vegetable powder of fungal spore of Colletotrichum gliospheroides. It causes stem and leaf blight. Bipolaris ये भी product है. It contains suspension of fungal spore of Bipolaris sorghicola.
इट इज़ यूज अगेंस्ट जॉनसन ग्रास. बायोफॉस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट विच कंटेन्स फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपियस. ओके, तो इसको याद रखने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड बाई द यूज ऑफ इंसेक्ट. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड बाई इंसेक्ट इज नोन एज पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल. जैसे प्रिकली पियर, अपोन्सिया वुलगैरिस. इन इंडिया फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन बायोलॉजिकल सप्रेशन ऑफ वीड्स वॉज अचीव्ड इन डेक्टाइलोपिस सेलोनिकस. इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्राजील इन 1795 फॉर द सप्रेशन ऑफ अपोन्सिया वुलगैरिस इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया. इन ऑस्ट्रेलिया प्रिकली पियर अपोन्सिया इनर्मिस वॉज एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन 1840. द मॉथ बोरर कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1925 फ्रॉम अर्जेंटीना टू कंट्रोल अपोन्सिया इनर्मिस. वाटर हाइएसिंथ इकाइनोकॉर्निया क्रेसिप्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. दिस वीड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ऑर्नामेंटल पॉन्ड प्लांट इन 1896 फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर हाइएसिंथ अमाइट ऑर्थोगेलुमना टेरेब्रांटिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोरिडा इन 1982. वी विल न्योकिटिना इकॉर्नी एंड एन ब्रूची वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल हाइएसिंथ इन 1983 फ्रॉम अर्जेंटीना. कांग्रेस ग्रास जिसको पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस भी बोलते हैं. इट इज़ वन ऑफ द नोटोरियस वीड इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम USA. दिस वीड फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र इन 1955. अली फीडिंग क्राइसोमेलिडी बिटल जाइगोग्रामा बाई कोलेराटा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 फ्रॉम मैक्सिको फॉर द कंट्रोल ऑफ कांग्रेस ग्रास. लैंटाना वीड के बारे में बात करें जिसको कि लैंटाना कैमरा भी बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमनली फाउंड वीड है. इट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज ऑर्नामेंटल प्लांट इन 1809 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था और जो कांग्रेस ग्रास है वो पुणे से आया था. ठीक है. इट कंटेन्स टॉक्सिन लैंटाडिन ए एंड बी इन फ्रूट एंड लैंटा कैमेरिन इन लीव्स टॉक्सिक टू एनिमल्स. फॉर द कंट्रोल ऑफ लैंटाना एलिस बग टीलिनेमिया सेरा पैलोरा टेरोनीमिया सेरा पैलोरा वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1941 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ ऑल्सो बॉट अंडर द कंट्रोल बाई सीड फ्लाई ऑफियोमाइया लैंटेनी. वाटर फर्न सेल्विनिया मोलेस्टा. इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन वेली लेक केरला इन 1950 फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर फर्न ए करकुलिनिडी विविल क्रिप्टोबैगस सेल्विनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन 1982. क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स बेस्ड ऑन रिलेटिविटी. एब्सोल्यूट वीड दीज आर ऑलवेज वीड. प्लांट ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग एग्जाम्पल सिप्रस रोटंडस. इसका हम लोग कोई भी यूज़ नहीं कर सकते. एंड रिलेटिव वीड दीज आर अदर क्रॉप वीड अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट इन द मेन फील्ड नोन एज फील्ड एक्सेट्रा. इसका एग्जाम्पल है बार्ले इन वीट. यदि वीट का फील्ड है उसमें बार्ले आ गया मतलब ऑफ सीजन क्रॉप या फिर अनडिजायरेबल क्रॉप कि हमारे वीट में बार्ले नहीं होना चाहिए पर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वीड. रोग वीड क्या होता है अदर वराइटी प्लांट इन द सेम क्रॉप ऑफ दिस सेम क्रॉप. मतलब कि वीट ही है पर दो अलग अलग वराइटी के वीट हो गए जो एक साथ मिक्स हो गए तो फिर ये रोग वीड हो जाएंगे. डेट इज़ अ फ्यू प्लांट्स ऑफ C306 वराइटी इन PBW502 वीट फील्ड. वॉलेंटियर वीड्स सच वीड्स आर ग्रोन फ्रॉम द फॉलन सीड ऑफ प्रीवियस और प्रिसीडिंग क्रॉप इन द फील्ड. पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर. पेस्टिसाइड कंजप्शन ऑर्डर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड कंज्यूम किया जाता है फिर इंसेक्टिसाइड फिर फंजीसाइड. इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड फिर फंजीसाइड फिर हर्बिसाइड. द लार्जेस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप इन इंडिया इज राइस फॉलोड बाई कॉटन एंड वेजिटेबल. लार्जेस्ट कंजप्शन ऑफ हर्बिसाइड इन वीट फॉलोड बाई राइस एंड टी. द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूम्ड हर्बिसाइड इन इंडिया इज आइसोप्रिटोरॉन जिसको रौनक भी बोलते हैं.
ट्रेड नेम इसका रौनक है। पर हेक्टेयर कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया लेस देन 0.5 केजी पर हेक्टेयर। ओके, हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड इन वर्ल्ड इज इन जापान 10-12 केजी पर हेक्टेयर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और जापान में। पर हेक्टेयर हर्बिसाइड कंजप्शन इन इंडिया इज 40 ग्राम पर हेक्टेयर। हर्बिसाइड कितना है तो बस 40 ग्राम पर हेक्टेयर। पेस्टिसाइड कितना है तो 0.5 केजी पर हेक्टेयर। और ये आप एक बार देख लीजिएगा कि ये कौन से ग्रुप हैं और इस ग्रुप में कौन से हर्बिसाइड आते हैं। जैसे एलिफैटिक ग्रुप हो गया, जो मेन हाईलाइट किया हुआ है उसको तो याद ही रखना है। जैसे एलिफैटिक्स में डेलापोन आ गया, एमाइड्स में एलाक्लोर, बीटाक्लोर, प्रोपेनिल आ गया, बाई पैरेलीडियम में आ गया पैराक्वेट, डाई नाइट्रो एनिलीन में आ गया फ्लूक्लोरलीन, फिनॉक्सी एसिड में आ गया 2,4-D, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर थियोकार्बामेट में आ गया बेनथियोकार्प, थियो थियो दोनों में, बेनथियोकार्प या फिर थियोबेन बेनकार्प इसी को बोलते हैं। ट्राइएजीन में, ट्राइएजीन भी सेम टाइम का एट्राजीन, सीमाजीन, मेट्रीब्यूजीन, जीन जीन सब में है। और एक अलग से है टर्ब्यूट्रीन, ठीक है। फेनाइल यूरियाज में आ जाएगा आपका डायूरॉन एंड मोनोयूरॉन। सल्फोनाइल यूरिया में आ जाएगा सल्फोसल्फ्यूरॉन मेनली। और अनक्लासिफाइड कौन सा है तो ग्लाइफोसेट। वाह, ग्लाइफोसेट इज नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। सल्फोसल्फ्यूरॉन इज सिस्टमिक फोलियस अप्लाइड हर्बिसाइड। फ्लूक्लोरलीन इज वोलेटाइल इन नेचर, हेंस यूज्ड एज PPI, मतलब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। 2,4-D का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं आप, 2,4-dichlorophenoxy एसिडिक एसिड। बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितने, मतलब डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस एंड ले बाय एप्लीकेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हर्बिसाइड कौन से होते हैं तो सच हर्बिसाइड आर अप्लाइड बिफोर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इन फील्ड। प्री प्लांट ऑब्वियसली बिफोर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इन फील्ड। इसमें भी सॉइल अप्लाइड होते हैं, जैसे फ्लू क्लोरलीन होता है, एलाक्लोर होता है, या फोलियज अप्लाइड होता है उसमें आता है ग्लाइफोसेट एंड पैराक्वेट, ठीक है। प्री इमरजेंस जो होता है उसमें अप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप बट बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप और वीड इज कॉल्ड प्री इमरजेंस अप्लीकेशन। एग्जाम्पल, जनरली सेलेक्टिव हर्बिसाइड ट्राइएजीन एंड यूरिया। पोस्ट इमरजेंस में क्या आता है, अप्लाइड आफ्टर इमरजेंस ऑफ क्रॉप एंड वीड। एग्जाम्पल इसका 2,4-D प्रोपेनिल डाइक्वेट। ले बाय एप्लीकेशन एक इसका है, वो है अप्लाइड आफ्टर लास्ट कल्टिवेशन। लास्ट कल्टिवेशन जब हो गया तो उसके बाद फिर इसका अप्लाई कर दीजिए आप हर्बिसाइड का। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है हर्बिसाइड का, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन, डेट इज़ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड एंड सिस्टमिक हर्बिसाइड। जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है उसके एग्जाम्पल है डाइक्वेट एंड पैराक्वेट, और सिस्टमिक में आता है सॉइल अप्लाइड जिसमें फ्लू क्लोरलिन, पेंडीमेथिलीन, और जो फोलियज अप्लाइड है उसमें है 2,4-D एंड ट्राइएजीन। बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं कुछ और कुछ होते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं वो हैं 2,4-D, ट्राइएजीन, आइसोप्रिटोरॉन, पेंडीमेथिलीन, इमिजाथैपर, और जो नॉन सिलेक्टिव होता है वो होता है ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट एक्सेट्रा। चलिए मैं आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल यदि पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी से मैं समझूंगी कि आपको और वीडियो की ज़रूरत है आगे। एक्चुअली फ़ोन हर किसी के पास होता है तो फ़ोन से लोग पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपके पास मे बी नेमरा सुंडा बुक होगी, और मैंने ऐसा कुछ समझाया भी नहीं है, मैंने जस्ट रीड ही किया है। तो किसी के पास बुक नहीं है तो उसके लिए यूज़फुल हो सकता है, कोई बुक अभी नहीं पढ़ना चाह रहा, फ़ोन चलाना चाहता है तो उसके लिए भी यूज़फुल होगा। तो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।